फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपने तो बहुत बार कद्दू का सब्जी बनाकर खाया होगा। क्या आपने कद्दू का हलवा बनाकर खाया है? अभी हम बनाएंगे बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा का बहुत टेस्टी सा यम्मी सा हलवा। चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे 500 ग्राम कद्दू लिया है और हमें हलवा के लिए ना बहुत पक्का वाला कद्दू चाहिए, कच्चा भी नहीं लेना है। चलिए मैं यहाँ पे कद्दू को पहले काट लेती हूँ। ठीक है, बहुत हमें केयरफुली से कद्दू को काटना है। बहुत ही हार्ड होता है ना, बहुत अच्छे से हमें काटना है इनको। देखिए पहले हमें छोटे छोटे पीस में इनको काट लेते हैं, उसके बाद जो बीच के रेशे होते हैं ना इनको पहले हमें निकाल लेना है। यहाँ पे हमें बीच के रेशे नहीं डालना है, बहुत अच्छे से पहले हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो ग्रीन वाला पार्ट है ना इसको बहुत अच्छे से हमें निकाल लेना है। ये बहुत हार्ड होता है ना, हमें बहुत अच्छे से इनको काटना है। देखिए और सभी को हमें ऐसे ही पहले काट लेना है पहले कद्दू को। देखिए चलिए मैंने सभी को काट लेते हैं पहले। देखिए हमने यहाँ पे सभी का छिलका निकाल लिया है, बीच के जो ड्रेसिंग होता है ना उसको भी निकाल लिया है। अच्छे से मैं दो से तीन पानी से मैं धो लेती हूँ। अच्छे से मैं यहाँ पे धो लिया है। जो मोटे वाला हमें ग्रेटर होता है ना कद्दूकस वाला, हमें इनको कद्दूकस पहले कर लेना है। देखिए सभी को पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी आप चला सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी हो जाता है ये। देखिए मैं यहाँ पे ना सभी को कद्दूकस कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते होंगे कितना ही पका वाला कद्दू है ये। चलिए और मैं यहाँ पे ना मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है। आप यहाँ पे अपने पसंद से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, आपके घर में जो ड्राई फ्रूट है उसे आप बना सकते हैं। चलिए जो काजू या बादाम है ना उसको हमें पतला पतला पहले काट लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सभी काजू और बादामों पहले काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़े में। आप चाहे तो ऐसे ही भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सभी को काट लिया है और अलग भी रख लिया है इनको। और चलिए मैं यहाँ पे मोटा वाला कढ़ाई लिया है एक, जिसमें मैं यहाँ पे एक चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी से बनाने से ना बहुत टेस्टी सा और लगता है हलवा ये। चलिए मैं यहाँ पे काजू बादाम को पहले से थोड़ा से मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करने से ना बहुत टेस्टी। और चलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से पहले फ्राई कर लेती हूँ। हमें इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस एक मिनट के लिए अच्छे से हमें फूल लेना है पहले। देखिए बहुत अच्छे से इसका कलर भी आ गया, ये थोड़ा सा गोल्डन भी हो चुका है। चलिए इनको निकाल लेते हैं। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, एक साइड रख लिया है मैं इनको, जो किशमिश था ना ये सब। और इसको मैं थोड़े से आधे मिनट के लिए मैं इनको पहले भून लेती हूँ, मैं ज़्यादा इनको भी नहीं भूनना है। देखिए और किशमिश देखिए फूल रहा है ये। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपका ये रेसिपी कैसे लगा। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी कढ़ाई में मैं एक चम्मच और देसी घी डाल रही हूँ। देखिए और मैं यहाँ पे तीन हरा वाला इलायची डाल रही हूँ यहाँ पे। और जो मैं यहाँ पे कद्दू को ग्रेट कर रखा था ना उसको मैं यहाँ पे अब वेट कर लेती हूँ। सभी कद्दू को पहले हम कढ़ाई में डाल लेते हैं यहाँ पे। सभी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। बहुत ना ये इजी है, बहुत टेस्टी है। गाजर के हलवे से ना बहुत जल्दी बन जाता है ये। आप एक बार जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये। चलिए सभी को हम चलाते हुए पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना जल्दी से ये सॉफ्ट भी हो चुका है, ये बहुत जल्दी से ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे ना चलाते हुए अच्छे से इनको सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे ना गुड़ से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ कप चीनी लिया है। चलिए अच्छे से मैं यहाँ पे इनको भी मिक्स कर लेती हूँ। आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार आप कद्दू का हलवा ही बनाकर खाएंगे, सब्जी तो भूल ही जाएंगे आप, इतना टेस्टी लगता है ये। देखिए और बहुत तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और बहुत तरह से ये सॉफ्ट भी हो चुका है। और चलिए अब मैं अच्छे से इनको पका लेती हूँ पहले। बहुत तरह से इनका जूस भी रिलीज हो चुका है ये। और मैं यहाँ पे चलाते हुए इनको पकाऊंगी, मैं छोड़ना नहीं है ये। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं ये। और चलिए
बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे चलाते हुए अच्छे से इनको पका लिया है। और ज़्यादा हमें घी भी नहीं चाहिए, बस हमें 2 चम्मच घी से ये हलवे को बनाकर तैयार कर लेना है। ना हमें मिल्क पाउडर चाहिए, ना दूध लेना है, ना हमें मावा से बनाना है। सिर्फ देखिए 2 से 3 चीज़ों से हमें हलवा को बनाकर तैयार कर लेना है। और देखिए बहुत अच्छे से मेरा ये कद्दू अच्छे से पक चुका है। जो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो फ्राई करके रखा था ना, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। और जो किशमिश था ना, इसको मैं अब डाल लेती हूँ यहाँ पे। ऐसे भी हमें चलाते हुए इनको भी अच्छे से मिक्स कर, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे मिक्स कर लिया है इनको। अब देख सकते हैं कितना अच्छे से इनका कलर भी चेंज आ गया, कितना ये टेस्टी और यम्मी से दिखने से लग रहा है ये। देखिए अब जितना हम भुनेंगे ना, उतना बहुत टेस्टी बनेगा ये। और कुछ बाहर से भी नहीं लाना है, बस घर के सामान से ये हलवे को बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते होंगे कितना टेस्टी से लग रहा है देखने से। और बहुत अच्छे से कद्दू भी अच्छे से पक चुका है ये। और बहुत अब एक बार किसी को बनाकर खिलाएंगे ना, तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये आपने क्या चीज से बनाया है। देखिए और बहुत अच्छे से ना ये मेरा हलवा बहुत सॉफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से पक भी चुके हैं। देखिए बिना मावा का, बिना मिल्क पाउडर का कितना यमी सा और टेस्टी से लग रहा है ना। अब बनाएंगे ना, बड़े बच्चे बहुत शौक से खाएंगे ये। और कोई खाकर बता ही नहीं पाएगा कि आपने ये क्या चीज से बनाया है। और चलिए देखिए आप कितना टेस्टी से लग रहा है। चलिए आप सभी को हम निकाल, चलिए सभी के हम सर्व कर लेते हैं। और ऊपर से मैं यहाँ पे काजू और बादाम से मैं गार्निशिंग कर लेती हूँ। आप चाहे तो अपना पसंद से और भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। देखिए आप एक बार जरूर बनाएगा, बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आने वाला रेसिपी है ये। और ज़्यादा कुछ बाहर से भी नहीं लाना है, घर के सामान से बहुत टेस्टी और यमी हलवे बनाकर तैयार कर लेना है। ये ना गाजर से बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और सभी को बहुत पसंद आने वाला है। देखिए आपको ये रेसिपी थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।